14-15 वर्ष हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए, लेकिन आधे से ज्यादा बर्लिन तब भी खंडर था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि भाई हनोई भी काफी तबाहशुदा हो गए, कुछ हिस्से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां कोई एक आसार आपको नहीं मिलता जिससे अंदाजा हो कि यहां जंग हुई। दूसरी चीज, वहां आपको कहीं भी जंगी मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले। ये जो मैं समझता हूं कि एस्थेटिक्स की सबसे बड़ी बदतहजीबी ये है कि आप चौकों में मिसाइल खड़े करते हैं, वहां टैंक खड़े करते हैं, वहां हवाई जहाज जैसी और लाख चीजें खड़े करते हैं जंग की, हलाकत की, ये उसको आप सजा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। आप देखेंगे हम लोग इसी तरह ही सजाते हैं ना अपने चौकों। वहां कहीं भी कोई वॉर की आपको मॉन्यूमेंट्स एज सच बड़े नहीं मिलेंगे। मेरी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं हुआ वियतनामी से, वो इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं करना था अंग्रेजी बोल के उनके साथ लड़ाई करनी। तो जो गुफ्तगु हुई तो हम तो उसको वियतनाम को जंग की वजह से ज्यादा जानते हैं ना। तो उन्होंने ये कहा जनरली, उन्होंने कहा बात ये है कि ये जंग हमारे बाप दादा जी थी वो जीत गए, अब हम उसी को ढोल के तौर पे पीटते रहे सारी उम्र और लोगों को बताते रहे, बच्चों को बताते रहे कि हमने एक अजीम जंग जीती है और मतलब उसी के खुमार में मुब्तला रहे, हमें आगे देखना है, मुस्तकबिल को देखना है, और मुस्तकबिल में हमने फैसला किया है कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो अमेरिका जो हमें मदद कर रहा है, तो राइट नाउ अमेरिका हमारा हलीफ है, तो हम माजी को नहीं देखते, हम हाल को देखते।